नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे रंगीन शिमला मिर्च के बारे में। तो दोस्तों, कलर कैप्सिकम की हाईटेक कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं और इसकी नर्सरी स्टेज से लेके हार्वेस्टिंग स्टेज तक कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है, इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक मेरा निवेदन है कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, चलते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। शिमला मिर्ची की फसल के लिए उचित समय बुआई का बरसात के समय में अगस्त से सितंबर मंथ और गर्मी में नवंबर से दिसंबर मंथ उचित रहता है। तथा जलवायु की बात की जाए तो इस फसल के लिए अर्धनम जलवायु की आवश्यकता होती है तथा मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तथा मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मिट्टी की बात की जाए तो इसके लिए किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाना आसान है, पर इसके लिए बेल ड्रेंज सोइल होनी जरूरी है तथा इसके लिए बलुई दोमट, चिकनी दोमट या भूरी व लाल मृदा में आसानी से इसको उगाया जा सकता है तथा मृदा का पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि फसल उत्पादन के दृष्टिकोण से उचित माना जाता है। वैरायटी की बात करें तो वैरायटी मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, बट सबसे बेस्ट वैरायटी की बात करें तो सिजेंटा की सेलिन जो कि रेड कलर की है और कामोस जो येलो कलर में आएगी जो कि पॉली हाउस के लिए बेस्ट रहती है। बीज के बाद नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कल्टीवेशन की। तो दोस्तों, शिमला मिर्ची की कल्टीवेशन के लिए हमें गहरी जुताई की आवश्यकता होगी। गहरी जुताई हम प्लाउ से करेंगे और उसके बाद में हम रोटावेटर चला देंगे। रोटावेटर चलाने का हमारा यही पर्पज़ है कि हमारी जो सोइल है वो एकदम भुरभुरी हो जाए और बेड बनाने में आसानी हो। और इसके बाद में हम बेड बनाने के लिए हम बेड मेकर का यूज़ करेंगे और जो हम बेड बनाएंगे वो 2 फीट चौड़ा होना चाहिए और 1 फीट हाइट में होना चाहिए जो कि हमारी प्लांट के लिए बेस्ट रहे। बेड मेकर चलाने के बाद में हम ड्रिप लाइन बिछाएंगे, ड्रिप लाइन इंस्टॉलेशन करेंगे। और दोस्तों, ड्रिप लाइन का जो यूज़ करेंगे वो हम 16 mm वाली इन लाइन का यूज़ करेंगे और जिसका एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर की जो दूरी होगी 1 फीट रहेगी। ड्रिप लाइन पूरी तरीके से बिछ जाने के बाद में हम मल्चिंग का यूज़ करेंगे। मल्चिंग का यूज़ हम इसलिए करेंगे कि जो हमारे कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे जो वीट्स निकल के आएंगे वो नहीं आएंगे और जो हमारा मॉइस्चर लॉस है वो मॉइस्चर लॉस भी नहीं होगा। दोस्तों, हम जो मल्चिंग यूज़ करेंगे वो 20 से 25 mm वाली यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो कम से कम इन्वेस्ट हो और कम से कम कास्टिंग आए। मल्चिंग होने के बाद में इसमें हमको 1 फीट की डिस्टेंस पे होल करना है ताकि हमारा जो पौधा आसानी से लग सके, और होल इस प्रकार से करना है कि जो हमारी ड्रिप लाइन है वो डैमेज ना हो पाए। मल्चिंग में होल होने के बाद में हम प्लांट को प्लांटेशन के लिए ले आते हैं और प्लांटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, हमको प्लांटेशन इस प्रकार से करना है कि जो हमारा जो बेड है वो पूरी तरह से मॉइस्ट हो और नमी बनी रहे ताकि हमारा जो पौधा है वो जल्दी से जल्दी इस्टेब्लिश्ड हो जाए। और प्लांटेशन करने के बाद में हमको 4 से 5 घंटे बाद में हमको ड्रिप लाइन आधा घंटे के लिए चला देना है ताकि जो हमारा प्लांट जो हमारी प्लांट पॉपुलेशन है वो डिक्रीज ना हो और जो मोर्टलिटी है वो कम ना हो। होने के बाद में हमको 2 से 3 दिन के बाद में हमको इसकी ड्रेंचिंग करनी है, और ड्रेंचिंग करने के लिए हमको NPK 19:19 का 1 kg प्लस हुमिक एसिड भी 1 kg के हिसाब से ड्रेंचिंग करनी है, और पर प्लांट हमको 50 से 60 ml वाटर का यूज़ करना है। तुरंत बाद सेकंड ड्रेंचिंग हमको करनी है 6 से 7 दिन के बाद में। इसमें जो हम इसमें न्यूट्रन लेंगे 12:61:0 और माइक्रोन्यूट्रेंट 500 ग्राम जो कि इसका भी सोल्यूशन बना के 50 से 60 ml वाटर पर प्लांट के हिसाब से हमको डालना है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इंसेक्ट पेस्ट की। तो दोस्तों, पेस्ट का काफ़ी अटैक रहता है शिमला मिर्ची की फसल पर। दोस्तों, जिसमें से सबसे ज़्यादा अटैक होता है थ्रिप्स, माइट्स और वाइट फ्लाई का, और वाइट फ्लाई कभी आती है तो इससे हमारा वायरस आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें पहली स्टेज पर हमको वाइट फ्लाई का कंट्रोल करना जरूरी है, जिसके लिए हम येलो ट्रेप और ग्रीन ट्रेप का हम यूज़ करते हैं। वाइट फ्लाई का कंट्रोल हम केमिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। वाइट फ्लाई का केमिकल कंट्रोल करने के लिए इनमें से किसी भी इंसेक्टिसाइड का 15 लीटर वाटर के साथ में मिलाकर हमको स्प्रे करना है। सेकंड नंबर पे आता है थ्रिप्स, माइट्स और जेसिट एफिड। इनके कंट्रोल करने के लिए हमें निम्न में से किसी भी एक दवा का यूज़ करना चाहिए जिसको 15 लीटर वाटर में मिलाकर स्प्रे करना जरूरी है ताकि हमारे जो थ्रिप्स है और बाकी जो इंसेक्ट है इससे कंट्रोल हो जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिसीज़ की। डिसीज़ में पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, लीफ स्पॉट, इसको रोकने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसी एक फंगिसाइड का यूज़ करना चाहिए जिसके लिए हमें 15 लीटर वाटर में मिलाकर इसका स्प्रे कर देना चाहिए। सेकंड नंबर ब्लाइट। ब्लाइट का दोस्तों, ब्लाइट भी काफ़ी मात्रा में शिमला मिर्ची को नुकसान पहुंचाता है, इसके लिए भी हमें
निम्न दबाव का स्प्रे करना जरूरी है। इसको भी हमको 15 लीटर वाटर के हिसाब से लेना है और स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, आपके प्लॉट में शिमला मिर्ची के फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं या फ्रूट ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसके निवारण के लिए हमें प्लांटोफिक्स का 5 ml प्रति टेंगे के हिसाब से हमको स्प्रे करना चाहिए, या इसके अलावा चमत्कार का 20 ml प्रति टेंगे के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है या फ्रूट ड्रॉपिंग की समस्या है उससे निजात पा सकें। दोस्तों, हार्वेस्टिंग की बात करें तो इसकी फसल की जो हार्वेस्टिंग है, 60 से 65 दिन में हम ग्रीन कैप्सिकम का उत्पादन ले सकते हैं, पर कभी हमें कलर कैप्सिकम का लेना है तो इसके लिए हमें 70 से 80 दिन में हमारी जो शिमला मिर्च है वो कलर में आ जाएगी और हम 70 से 80 दिन में इसका हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम शिमला मिर्च की लाइफ साइकिल की बात करें तो ये इसकी लाइफ साइकिल 8 से 9 मंथ तक की है और हम इसकी फसल में 60 से 70 दिन के बाद में हम प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्च के लिए फर्टिगेशन प्लान इस प्रकार से है। पहला फर्टिगेशन 15 से 40 दिन के बीच में हम करेंगे, जिसके लिए हम NPK 12:61:0, 17:44:0, यूरिया 2 kg पर एकड़ के हिसाब से हम फर्टिगेशन करेंगे। और दोस्तों, ये फर्टिलाइजर हमको सारे फर्टिलाइजर एक साथ नहीं करना है, हमको 3-4 दिन के इंटरवल पे हमको ये फर्टिलाइजर का यूज़ करना है। अब सेकंड फर्टिलाइजर करेंगे हम 45 से 70 दिन के बीच में, 45 से 70 दिन के बीच में हम करेंगे 0:54:34, 13:40:13 अमोनियम सल्फेट, ये यूज़ करेंगे हम 3-3 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा हमको करना है माइक्रोन्यूट्रिएंट 500 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, ये भी पर एकड़ के हिसाब से हमको करना है। तीसरा फर्टिगेशन करेंगे 75 से 90 दिन के बीच में, जिसमें हमको 0:050 4 kg, 13:045 4 kg, कैल्शियम नाइट्रेट 5 kg और जिंक सल्फेट 1 kg और मैग्नीशियम सल्फेट 4 kg पर एकड़ के हिसाब से हमको फर्टिगेशन करना है। दोस्तों, इस प्रकार से हम फर्टिगेशन का शेड्यूल रख सकते हैं। दोस्तों, प्रोडक्शन की बात की जाए तो पर प्लांट का जो प्रोडक्शन है, हम 2 kg से लेकर 4 kg तक का प्रोडक्शन ले सकते हैं। कभी हम एवरेज प्रोडक्शन 2 kg भी माने तो हमारे 10,000 प्लांट हैं और 10,000 प्लांट के ऊपर हमारा जो प्रोडक्शन आएगा 20 टन के करीब हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा। और रेट की बात करें तो दोस्तों, रेट आपको जो मिलेगा वो अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग है, बट एक मैं एवरेज रेट बता देता हूँ कि 50 से 60 रुपये कलर कैप्सिकम का आपको रेट मिल जाएगा। दोस्तों, ये तो रही कैप्सिकम की कल्टीवेशन की बातें। और कभी कास्टिंग की बात करें तो कभी आप हाईटेक कल्टीवेशन कर रहे हैं और कभी ओनली पोली हाउस के अंदर ओनली कल्टीवेशन का ही खर्चा देखा जाए तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपये आपका कल्टीवेशन का खर्चा आएगा पर क्रॉप का। इसमें पॉली हाउस का कास्टिंग इंक्लूड नहीं है, बस ओनली कल्टीवेशन की ही कास्टिंग इंक्लूड है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और कभी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।